Assalamualaikum viewers and welcome to the Nestle Milk Pack Kitchen. मैं हूँ शेफ वर्ता और आज फिर से अपने वादे के मुताबिक लेकर आई हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी. बहुत ही सिंपल है, जैसा कि हमारा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ कि हम हमेशा कोशिश करते हैं, मेरी टीम इस चीज़ पे बहुत कोशिश करती है, मैं बहुत प्लानिंग से चलती हूँ कि आपके लिए वो रेसिपीज़ लेके आऊँ जो बहुत ही ईजी टू मेक हों और क्विकली बन जाएँ. आज की रेसिपी है हमारी चॉकलेट डेट शेक. डेट्स जो हैं, खजूर जिसे हम कहते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं. नॉर्मल दिनों में हम खजूर का इस्तेमाल इतना नहीं करते जितना हम रमज़ान में करते हैं, जबकि हमें इसको रेगुलर रूटीन में रखना चाहिए. अपने खजूर में इस तरह के इतनी गज़ाइत होती है कि आप 2 से 3 खजूर ले लें और आपकी बॉडी के जो एनर्जी लेवल होता है वो बूस्ट कर जाता है. आपके बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से हमारे लिए एनर्जी बूस्टर है. इसीलिए जो है ये एक आप सल्लम ने भी कहा है और हमारी ये सुन्नत रसूल भी है कि हम जब इफ्तार करें तो सबसे पहले हम खजूर से रोज़ा खोलें, क्योंकि दिन भर जो हम एम्प्टी स्टमक होते हैं, हम रोज़े से होते हैं, कुछ नहीं खाते. तो जब आप खजूर से रोज़ा खोलते हैं तो खजूर में जो इसकी मिठास जो होती है वो आपके शुगर लेवल को और आपके स्टमक को जो एसिडिक हो चुका होता है सुबह से भूखे रहने से, या आप कोई और चीज़ खाएंगे तो आपके लिए एसिडिटी क्रिएट कर सकता है, पैदा कर सकता है. लेकिन अगर आप खजूर का इस्तेमाल करेंगे पहले तो ये आपको उन तमाम प्रॉब्लम से जो है वो सेफ रखता है. और खजूर तो वैसे भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है. तो आइए चल के बनाते हैं चॉकलेट डेट शेक. चॉकलेट के साथ इसका ट्विस्ट रखा है तो बहुत ही यम्मी एक टेस्टी फ्लेवर आएगा इसका. चल के इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं. सबसे पहले हमें चाहिए खजूर. बीज निकाल लीजिए आप इसके, काट के बीच में से इसको बीज निकालिए. हमें तकरीबन 10 से 12 खजूरें चाहिए. हमें वनीला आइसक्रीम चाहिए, 2 स्कूप. चॉकलेट सिरप चाहिए होगा हमें इसमें, 3 टेबलस्पून. बहुत सारी बर्फ़ जाएगी इसमें और नेस्ले मिल्क पैक का दूध जाएगा इसमें. चीनी या शहद का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि खजूर खुद ही बहुत ही मीठी होती है. इसमें खुद कुदरती कितनी मिठास होती है कि हम ऊपर से एक्स्ट्रा शुगर या शहद का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे. आइए चल के बनाते हैं चॉकलेट डेट शेक. सबसे पहले मैं ब्लेंडर में डेट्स डालूंगी. बीज निकाल के मैंने रखी हुई हैं यहाँ पे. गई इसमें खजूर और इसमें जाएगी आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम. इसमें गई वनीला आइसक्रीम. इसमें जाएगा चॉकलेट सिरप. तीन टेबल स्पून गया चॉकलेट सिरप और अब इसमें हम डालेंगे नेस्ले मिल्क पैक का दूध. जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि नेस्ले मिल्क पैक का दूध जो है वो गज़ाइत से भरपूर है, गाढ़ा है, 100% प्योर काउ मिल्क से बना है. कोई एक्स्ट्रा हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है. आजकल ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी ज़्यादातर ख़वातीन को या फैमिली के जो हमारे बड़े होते हैं बुज़ुर्ग उनको कि दूध कौन सा इस्तेमाल करें यार, सब दूध में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, खुला दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, पाउडर मिल्क इतना गज़ाइत से भरपूर नहीं होता. तो आप इस चीज़ से टेंशन फ्री हो जाइए और नेस्ले मिल्क पैक का दूध इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये 100% गज़ाइत से भरपूर दूध है. तो चलिए इसको हम ब्लेंड करते हैं हमारी चॉकलेट डेट शेक को. मैंने सबसे पहले इसको डेट्स को, आइसक्रीम को और चॉकलेट सिरप को अच्छे से ब्लेंड कर लिए ताकि इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए. अब मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करूँगी क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें चिल सर्व करना है, इसलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ बर्फ़. बर्फ़ थोड़ी सी यहाँ मेल्ट हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं, क्यूब डबी है हमारे पास. इसमें मैंने बर्फ़ और अब इसको दोबारा से एक बार मैं ब्लेंड करूँगी. जी देखिए तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुकी हैं. इसको मैं ग्लास में निकाल रही हूँ. आप जब भी कोई भी स्मूदी बनाएं, कोई भी शेक बनाएं, तो कोशिश किया कीजिए कि उसको पहले अच्छे से ब्लेंड कर लें, थोड़ा सा रुक रुक के ब्लेंडर चलाएं ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाएं ताकि उसका एक अलग फ्लेवर आता है. वरना कोई भी चीज़ साइड पर रह जाती है, इसके बाद आप लोग नहीं करते तो फ्लेवर में कमी आ जाती है, टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है. जी कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका और मैं दूसरा भी ग्लास में इसको फिल कर रही हूँ हमारे चॉकलेट डेट शेक को. ज़रूर
ट्राई कीजिएगा इसको आज अपनी इफ्तार की टेबल पे. ये फुल ऑफ न्यूट्रिशियस है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है. जो बच्चे रोज़ा रखते हैं उनकी माएँ परेशान हैं कि वो सहरी नहीं करते, इफ्तार में कुछ नहीं खाते, तो आप उनको ये कि चॉकलेट डेट शेक बना के दीजिए जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशियस है. उनकी तमाम ग़िज़ाइयत पूरी हो जाएगी. इसमें दूध है, इसमें खजूर है, इसमें फ़्लेवर चॉकलेट का है जो कि बच्चों को यकीनी तौर पर बल्कि 100% ही पसंद आता है. तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने कमेंट्स भेजिएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी. इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे. तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.